हाय गाइस, कैसे हो आप लोग। मेरा नाम रोहित, तो आप देख रहे हैं मेरा और आपका यूट्यूब चैनल मैडी मिनाडी। तो आज हम बात करने वाले हैं PII। व्हाट इज दिस PII? अगर आप PII के पॉलिसी को नहीं पढ़ोगे और अपने वीडियो बनाते रहोगे तो आपका चैनल कभी भी रिमूव हो सकता है, स्ट्राइक आ सकता है, हो सका तो आप कभी वीडियो अपलोड ही नहीं कर सकते हो, एंड कि हरेसमेंट का केस भी लग सकता है यानी आप आने से। तो PII पर्सनल आइडेंटिटी इंफॉर्मेशन। तो ब्रो, जब भी आप अपना YouTube से रिलेटेड कोई भी कंटेंट बनाते हो तो उसमें कौन सी जानकारियाँ नहीं देना चाहिए, सीधी बात है। तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करो और चलिए शुरू करते हैं हमारा ब्लॉग। नंबर एक, मोबाइल नंबर कभी भी मत दो, ईमेल आईडी कभी भी मत दो, गवर्नमेंट से रिलेटेड कोई भी डॉक्यूमेंट है वो मत दो, एंड किसी का नाम, पता, एड्रेस, किसी की आइडेंटिटी मतलब डॉक्यूमेंट दे रहे हो वो भी मत बताओ। अगर आप ऐसा करते हो तो आपके चैनल पे स्ट्राइक आ सकती है। सो ये सारी चीज़ें ध्यान में रखते हुए अपना वीडियो बनाओ, अपना कंटेंट बनाओ। और अगर आपको ज़्यादा ज़रूरी है तो कि मतलब पब्लिक को शो कराना, तो आप डिस्क्रिप्शन में लिखो कि ये जानकारी फेक है, मतलब मैंने पब्लिक को बताने के लिए कि ऐसा ऐसा है, ऐसा ऐसा है, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया है, डिस्क्रिप्शन में ये सब लिखना होगा आपको। बट ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा है कि आप उसे ब्लर कर दो। अगर आप ब्लर कर दोगे तो सबसे ज़्यादा फ़ायदा होगा। और PII यानी कि पर्सनल आइडेंटिटी इंफॉर्मेशन, वो किसी की भी लॉस नहीं होगी और आपके चैनल पर कभी स्ट्राइक नहीं आएगी और ना ही आपको कोई प्रॉब्लम होगी। क्योंकि एक यूट्यूब कंटेंट क्रिएटर के लिए अगर स्ट्राइक आ जाए, अगर कुछ भी प्रॉब्लम आ जाए तो वो काफ़ी दिक्कत की बात होती है, पूरी मेहनत पर पानी फिर जाता है। तो PII यही होता है। दिस वीडियो ऑल ऑफ यू, जो लोग भी वीडियो कंटेंट क्रिएट करते हैं, यूट्यूब पर वीडियो बनाते हैं, ये वीडियो उन्हीं के लिए है। सो थैंक यू एंड लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल मैडी मराठी।